12th April 1973, the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him as a sacred trust. And whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order, wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance, and social justice, as enunciated by Islam, shall be fully observed. The preamble of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. इम्पोर्टेड हुकूमत के इत्तेहाद ने अपनी तमाम सियासी ज़िंदगी कौम के सामने अपने आप को आइन और जमहूरियत का अलमबरदार ज़ाहिर किया। आज वही लोग यही कह रहे हैं कि आइन की फ़िलहाल शक पर अमल ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि पिछले 11 महीनों में अवाम के साथ की जाने वाली ज़्यादतियों की फहरिस्त में अब अवाम से वोट का हक छीन लेना भी शामिल हो चुका है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात ना कराकर इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम से सिर्फ और सिर्फ वोट का हक छीनना चाहती है। 1972 के आईने पाकिस्तान आर्टिकल 19 के तहत पाकिस्तान की अवाम को वोट का हक दिया जाता है। हमारा वोट हमारी आवाज़ है, आपका वोट आपकी आवाज़ है। जब आईन आपको आज़ादी राय का इख्तियार देता है तो फिर पाकिस्तानी अवाम को अब अपने हक के लिए आवाज़ उठानी ही होगी। जिस तरह आर्टिकल 19 पाकिस्तान की अवाम को वोट का हक देता है, इसी तरह आर्टिकल 224 इलेक्शन और ज़मनी इलेक्शन का वक्त मुअय्यन करता है। जब कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली तहलील हो जाती है तो असम्बली के लिए आम इंतखाबात असम्बली तहलील होने के 90 दिन की मुद्दत के अंदर कराए जाएंगे और इंतखाबात के नतायज का ऐलान इंतखाबात के इख्तिताम के 14 दिन के अंदर किया जाएगा। इलेक्शन हारने के खौफ से आज इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम के हक पर डाका मारने के लिए मुत्तहिद हो चुके हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आईनी बहरान की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ PDM है। यही वजह है कि PDM की क़यादत आपको मुख्तलिफ बयानियों के साथ नजर आएगी, फिर चाहे वो पार्लियामेंट हो या TV टॉक शो। PDM आपको हमेशा इदारों और अदालतों को हरासा करके अपनी मर्जी के फैसले मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाते हुए नजर आएगी। यही वजह है कि आज आईन को पामाल किया जा रहा है और अदालतों और जजों को हरासा किया जा रहा है। नून लीग का अदालतों पर हमला कोई नई बात नहीं। आज एक बार फिर नून लीग और PDM की जमातें फुल बेंच का मुतालबा कर रही हैं ताकि इलेक्शन ताखीर से हों। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अपने हक से महरूम रह जाएंगे। आइए सुनते हैं कि PDM की क़यादत फुल बेंच की आड़ में इलेक्शन ना कराने के कितने बहाने बना रहे हैं। हम अदालत उज़्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इन नो अनसर्टेन टर्म्स कि उन्होंने इस फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नजरिया जरूरत के फैसलों को दफन कर दिया। ये अदलिया की जीत है, ये पाकिस्तान की आईन का जीत है, ये पाकिस्तान की जीत आईन का जीत है, ये पाकिस्तान जो हमें ये दर्श देते हैं कि जनाब काबीना से फैसले करवाएं, खुद भी आप अपनी काबीना से फैसले करवाएं। अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं और फैसले जब लिखते हैं तो आईन तोड़ते हैं। वन जो डिक्टेटोरियल अप्रोच होता है, चीफ जस्टिस की मर्जी कानून क्या है, चीफ जस्टिस की मर्जी आईन का क्या है, ये रिवायत हम तोड़ने। तो जो हमें ये दर्श देते हैं कि जनाब काबीना से फैसले करवाएं, खुद भी आप अपनी काबीना से फैसले करवाएं। अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं और फैसले जब लिखते हैं तो मैं एक जमहूरियत पसंद कारकुन हूँ पॉलिटिकल, और मैं समझती हूँ कि इलेक्शंस के अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए पॉलिटिकल, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए मुल्क के अंदर। इसने वहाँ पे असेंबलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया, फिर उस असेंबलियाँ तोड़ने के अमल को कोई तकरीबन 1.5-2 महीने चलाया। मकसद क्या था कि ये बहरानी कैफियत जो है ये जारी रहे, सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो जारी रहे और मुल्क का जो है वो नुकसान हो, और उसके बाद जो है वो असेंबलियां तोड़ दी। अब जनाब स्पीकर, इस वक्त सूरत हाल ये है कि
असेंबलियां तोड़ने के बाद आप 90 दिन में जो है वो इलेक्शन करवाने की जो है वो आईनी कदगन है। वैसे 30 अप्रैल जो है वो 90 दिन के अंदर नहीं है। देखिए बात इलेक्शन कराने की नहीं है। अगर इलेक्शन से कोई भाग रहा है तो वो इमरान खान भाग रहा है, वो सिर्फ मुल्क में ये तमाशा चाहता है। इलेक्शन अगर कोई इस मुल्क में करा सकता है और कोई चाहता है कि हो तो वो जमहूरी जमाते हैं। कि हमारे पास इस वक्त इतना अमला नहीं है कि हम जिस तरह रेगुलर हम सिक्योरिटी फराहम करते हैं वो कर सके। ठीक है, हम सिक्योरिटी फराहम करते हैं वो कर सके। इलेक्शन कमीशन को फाइनेंस भी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को फौज भी चाहिए, कानून नाफज करने वालों की सपोर्ट भी चाहिए। और क्या इलेक्शन कमीशन को दोनों अदारे जो हैं वो क्या जवाब दे रहे हैं? आप मलबा डालेंगे हुकूमत पे, क्यों डालें भाई? आप मलबा डालें मेरे पे कि फौज भी हुकूमत के मातहत ही होती है सर, फाइनेंस भी हुकूमत के मातहत है। कौन सी आईनी प्रोविजन है जो कहती है इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए? बात देखिए आर्टिकल 224 के ऊपर आप पार्लियामेंट्री डिबेट निकाल के आप चैलेंज कबूल कर लें, अतातन साहब चैलेंज कबूल कर लें कि 224 इकट्ठे इलेक्शन की बात करता है। बात ये है मैं आपके सारे चैलेंज कबूल करूंगा, आप तसल्ली रखें। बात ये है नहीं आप आए ना ऐसे नहीं है मंसूर साहब के प्रोग्राम में, आप चैलेंज कबूल करें कि 224 इकट्ठे इलेक्शन की बात करता है। कहेंगे इसी पे मंसूर के प्रोग्राम में, नहीं मंसूर के प्रोग्राम में 1-1। सर एक मिनट, ताड़ा साहब डू यू एक्सेप्ट दिस चैलेंज? ताड़ा साहब डू यू? 3-3.5 महीने के अंदर नई हल्का बंदियां हो सकती हैं, और फिर क्योंकि 90 दिन तो आप क्लास नहीं रही, अब तो यह है कि इलेक्शन जल्दी हो सकते हैं। सो इलेक्शन कमीशन मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां 3.5 महीने में करके और 35-40 दिन जब तक उसको रिक्वायर्ड है उतने दिनों की डेट दे के, तो तकरीबन यानी 30 अप्रैल से आगे 3.5 महीने में अगर रहा है कि आईन का तकाजा है कि 90 दिन के अंदर अंदर, ये आईन का तकाजा उस दिन क्यों नहीं था जब यही सुप्रीम कोर्ट एक आमिर जनरल मुशर्रफ को 3 साल में इलेक्शन कराने का इजाजत दे रहा था? कहा जा रहा है कि आईन का तकाजा है कि 90 दिन के अंदर अंदर, ये आईन का तकाजा उस दिन क्यों नहीं था जब यही सुप्रीम कोर्ट